सोनाक्षी सिन्हा अपने आने वाली फिल्म खानदानी शफाखाना में एक सेक्स क्लिनिक चलाने की कोशिश करती नजर आएंगी। 2 अगस्त को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के प्रमोशन में सोना इस तरह से जुड़ गई हैं कि ट्विटर पर अपना नाम बेबी बेडी उन्होंने कर लिया है। इसी के साथ ही सोनाक्षी लोगों से चुप न रहने की और सेक्स पर बात करने की अपील कर रही है। सोनाक्षी ने लिखा, अब चुप ना रहो, अजीब बात तो करो। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें इस नंबर पर। सोनाक्षी ने ये ट्वीट 24 जुलाई की रात किया था और फिलहाल ये इंटरनेट पर छाया हुआ है। हाल में सोनाक्षी अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान न्यूज 18 से मिली थी। बातचीत में उन्होंने अपने करियर को लेकर बात की। फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल पूरे कर चुकी सोनाक्षी सिन्हा कहती हैं, मैं पिछले 10 साल से किसी रेस में नहीं थी, मैं कभी किसी कॉम्पिटिशन की दौड़ में नहीं थी। मैंने पिछले 10 सालों में खूब काम किया और हर फिल्म को लेकर मेरा उत्साह आज भी वैसा ही है जैसे पहले होता था और पहली फिल्म के दौरान था। मैं आज पहले से ज़्यादा ही व्यस्त हूँ। सोनाक्षी सिन्हा से जब उनके करियर में हिट फ्लॉप के उतार चढ़ाव के सवाल पूछे गए तो जवाब में सोनाक्षी कहती हैं, मेरी फिल्में कभी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं रही। हालांकि कई बार बॉक्स ऑफिस के आंकड़े ज़रूर कम रहे होंगे, लेकिन फिल्म की लागत से ज़्यादा ही फिल्म ने हर बार बिजनेस किया। ऐसे में लोग कहते हैं कि नूर, अकीरा, तेवर, एक्शन जैक्सन या फिर लुटेरे फ्लॉप रही, जबकि मेरे लिए तो फिल्म कभी भी फ्लॉप नहीं रही। मैं खुद को असफल नहीं मानती क्योंकि मुझे असफलता मिली ही नहीं और मैं असफल लिस्ट में नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए असल एंटरटेनमेंट।